महिला दिवस क्या सिर्फ इसे एक दिन प्रतीक के रूप में मनाकर ही हम अगले पल सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन बदलाव, सोच में बदलाव शायद वो ऐसी न्यू है जिससे जिस वजह से एक बड़ी जंग औरतों के लिए जीती जा सकती है। तो आइए सीधे जनता से जानते हैं कि समाज में जो आज भी प्रथाएं जारी है, कुरीतियां जारी है, उन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। लड़कों को खुद केयरफुल रहना चाहिए, कौन कैसा इंसान है उसे देखना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, और लड़कों को भी थोड़ा हमेशा लड़कियों को ही क्यों मतलब फॉलो करना चाहिए आप? यही तो सिर्फ लड़कियों को फॉलो ना करे तो अच्छा है, यही बात लड़कों को फॉलो करना चाहिए, वो भी हर लड़की को ऐसे नहीं बोल सकता कुछ भी। आजकल ऐसा है बॉयज गलियों में जाएं, लड़कियां बाहर कुछ भी बोल देते हैं, उसमें अपने को अपना ध्यान रखना चाहिए और महिला हेल्पलाइन के लिए कॉल कर सकते हैं अपन उसमें, और या तो फिर पुलिस कंप्लेंट कर दो या फिर डायरेक्ट, आजकल तो ऐसा है हर लड़कियां डायरेक्टली जवाब देना चाहिए लड़कों को, डरना नहीं चाहिए उनको कुछ भी हो। पेरेंट्स को भी भय रहता है? पेरेंट्स को भी हाँ भय रहता है, इसलिए बाहर नहीं भेजते कई पेरेंट्स रात में नाइट आउट या फिर ये सब चीज़ें। ऐसा है कि सब नॉर्मली ऐसा नॉर्मल तो नहीं है ये सब, बट हाँ फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने आजू बाजू का क्राउड अच्छा लगे, और लड़कियां जो है वो मोस्टली ये देखें कि आप किस तरीके की संगत में हैं, मतलब कई बार ऐसा भी फर्क पड़ता है कि गलत लोगों के साथ, और ऐसा हर एक के साथ थोड़ा सा फ्रेंक वगैरह मतलब होना, एक मतलब जो अपना एक सर्कल होता है वो एक अच्छा चुने तो वो बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद जैसे कि अनुज ने बताया कि इंदौर वगैरह में इतना कुछ ऐसा जितना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, यहाँ पे सब अच्छे लोग, और वही है बेसिक एजुकेशन अगर अच्छा रहे कंट्री में, अगर और सब दूर अगर एजुकेशन अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मेंटेलिटी अच्छी होती है लोगों की, उससे कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसे भी अगर अपन ऐसे देखा है तो कहीं पर अच्छा है कहीं पर बुरा है, बट मैं अगर इंदौर के बारे में बोलूँगा तो इंदौर बहुत सेफ है यहाँ पर, क्योंकि अपन दूसरों को बोलने से अच्छा पहले अपने आप में भी देखोगे और अपने आप की भी क्या सोच है, आप खुद अगर ऐसी सोच नहीं रखोगे तो बेशक आपकी तरफ भी आपको कोई ऐसे नहीं देखेगा। तो बस मैं रह कहना चाहूँगा कि अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छी दिमाग अच्छा रखिए, तो ऐसा आपके दिमाग में से कुछ थॉट्स भी नहीं आएंगे, और लड़कियों को भी उतना ही रिस्पेक्टफुली देखें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार नई नई योजनाएं ला रही है बट उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा अच्छे से, लाइक कहते हैं हमारे इंडिया का सिस्टम ना सबसे अच्छा है, सिस्टम अच्छा है लेकिन सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, जिसकी वजह से ये हमें डे बाय डे देखने को मिल रहा है कि हर जगह एक लड़की कहीं फील ऐसा नहीं करती कि हाँ मैं सिक्योर हूँ। लाइक मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ठीक है, स्टिल एक होता है कि बोल्डनेस आ जाती है हम लोगों में कि चलो हम लोग सामने से देख लेंगे झेल लेंगे जो भी होगा, लेकिन जब हम लोग कभी रोड पर निकलते हैं ना स्टिल हमारे मन में भी डर होता है यार चार लड़के खड़े कहीं कुछ करना दे हम लोगों के साथ में। तो सरकार को कुछ करना है कि उन जो करप्ट लोग हैं ना बीच में उन लोगों को भी समझ में आए कि हाँ कि लड़कियां भी हैं तो उनको भी किस तरह से कराना है कि हाँ वो सेफ हैं हमारे इंडिया में। कोई बड़ी दुष्कर्म की घटना होती है, कानून बदलने की मांग उठने लगती है, लेकिन कानून में बदलाव तो हो जाते हैं बट स्थिति जस की तस रह जाती है, मतलब ऐसा ही हो रहा है। कई आज के टाइम में उत्तर प्रदेश है, कई मध्य प्रदेश ऐसे बड़े राज्य रह चुके हैं, राज्य हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी स्त्री की घटनाएं हो रही है। मैं बेसिकली गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे है कि यूपी में आप इतने सारे देख रहे हो लाइक हाथरस कांड का, हाथरस हुआ था फिर उन्नाव में हुआ था, लाइक छोटी छोटी बच्चे को नहीं छोड़ते कभी, मतलब बॉयज लोग बोलते हैं आदमी लोग बोलते हैं कि वो कपड़े छोटे पहनती है, मैम आप बताओ 3 साल की बच्ची थोड़ी ना साड़ी पहन के घूम सकती है, या 5 साल की बच्ची को आप थोड़ी ना सूट पहना सकते हो कि उनके ऊपर आप बोल रहे हो। उसके बाद बोलते हैं कानून बदलो, कानून अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, जो आपके लोग बनाए गए हैं वो भी अच्छे हैं, इवन मोदी सर जो भी ला रहे हैं सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट लेकिन जो उनको अप्लाई करवाने वाले लोग है ना वो लोग उसको जो अच्छे ढंग से करना चाहिए ना वो सामने नहीं लेके आ रहे हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं। सिस्टम अच्छा है हमारा बट काम करने वाले लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अब आप देखोगे योगी सर के अभी राज में लाइक यूपी में थोड़ी चीज़ें ऐसा है कि हाँ थोड़ा कहीं ना कहीं डर होता है बट लेकिन हर जगह इतना नहीं है, सरकार उस चीज़ पे इतना नहीं कर रही है कि मतलब वो लोग ध्यान दे कि गर्ल्स थोड़ा फील सेफ कर सकते हैं। घटनाएं जो इस तरीके से बढ़ रही है कि कई बार नाबालिग लड़कियाँ ही आत्महत्या कर लेती है या डिप्रेशन का शिकार होने लग जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। मैम ये थोड़ा पर्सनल हो गया, लाइक मैंने ना पर्सनली बोलूँ तो खुद स्पोर्ट्स की लड़कियों को ऐसे करते हुए देखा है कि उनको खेलना है ना उनके पास टैलेंट है बट उनको लाइक कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको ना चाहते हुए वो काम करना पड़ता है वहाँ खेलने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि हाँ सब हो रहा है बट हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लड़की की इज्जत उछलेगी, हम भी लड़की हैं हमारे माँ पापा यही कहेंगे तुम क्यों गए, क्योंकि वो लोग भी डरते हैं कि जो सामने वाले बंदे हैं जब उसके साथ कर रहे हैं तो इनके साथ भी कर सकते हैं। तो
यहाँ चीजें लड़कियाँ भी खुल के बोलने से डरती हैं, वो भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाती हैं। ऐसे में कुछ कानून की सलाह, कुछ कानून का सहायता वहाँ से कि हाँ मतलब हम आवाज़ उठा सकते हैं। कानून बस यही है कि जो हमारे पुलिस वाले रात में, हमारी जो पुलिस है वो ये पॉलिटिक्स को ज़्यादा छोड़ के अपने काम पे ध्यान देंगे तो शायद हमारी कंट्री जल्दी सिक्योर हो जाए, गर्ल्स के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए कि लोग हमारे सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाए लड़कियों को लेके। लाइक जैसे अभी आपका किसानों का चल रहा है तो उसमें आए दिन कहीं कुछ मतलब लाइक रोज का आप देख रहे हो कोई मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो अगर वही है कि वो जो नेता अपने किसानों को देख रहे हैं कम से कम वो गर्ल्स की तरफ ऐसे देखे तो उन्हें भी कुछ होगा, मतलब मिलेगा कुछ ना कुछ। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, आप बता रहे हैं और इस तरीके की आप घटनाएं आपकी आंखों के सामने होगी जी, लेकिन फिर भी एक साहस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है लड़कियों को और महिलाओं को। बिल्कुल, उनको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी उनको। लाइक अगर कोई लड़का लड़की को बस में कोई लड़का छेड़ता है तो वो चुपचाप दूसरी सीट पर जाके बैठ जाती है साइड में, क्यों भाई आप बोल के नहीं कर सकते, आपके पास सेफ्टी भी नहीं होता, आपके पास पैन होता है, आप उनको वो चुपा दो, वो चुपचाप अपने साइड में चले जाएंगे, क्योंकि उन लड़कों को भी इज्जत उतनी प्यारी है ना कि वो ऐसा तो नहीं है कि 10 लोग मिलेंगे तो वो उसको पीटेंगे, उसको भी ये डर है, बट लड़की को ये कदम उठाना तो पड़ेगा ना। अब वो जब तक चुप रहेगी तब तक उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने एक बार कदम उठा लिया तो फिर दुनिया उसके साथ है, क्योंकि एक आवाज की जरूरत होती है चीज करने के लिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक लोग आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, सो यू हैव टू स्पीक अप। ज्यादा से ज्यादा मतलब घर वालों को इन्फॉर्म करो कि आप कहाँ हो, या अपना कॉन्टैक्ट नंबर, या जैसे कोई ऑटो में जा रहे हो या कैब में जा रहे हो तो उसका नंबर पहले आप घर वालों को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो, आप जहाँ भी हो आप घर वालों को इन्फॉर्म कर दो या आपके कोई फ्रेंड को, ताकि कभी भी कोई मुश्किल होती है तो वो इजीली अवेलेबल हो, आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और दूसरा ये कि अगर जैसे आजकल पब्लिक प्लेसेस पे भी आम बात हो गई है, कोई भी छेड़खानी आपके साथ करके जा रहा है, इसे में क्या प्रिकॉशंस आप फॉलो करते हैं, किस तरीके? अगर पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है तो ऑब्वियसली अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि पब्लिक प्लेस है तो लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा है कि हाँ ऐसे इतनी इजीली कोई नहीं कर पाता, और अगर कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए। कई बार लड़कियाँ चुपचाप हो जाती है या फिर वहाँ से निकल जाती है, ऐसे में भी उनको डर रहता है कि कहीं उनके ऊपर बात ना आ जाए। हाँ ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर सामने वाला भी बदला लेता ही है जी। पर ऐसा है कि नहीं डरे और करे तो अच्छी बात रहती है, लेकिन ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि नहीं अगर हम बोलेंगे तो कुछ कल को हो ना जाए जी। तो अब ये चीज़ तो रहती ही है जी। वन वर्ड में गर्ल्स के लिए या महिलाओं के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए मतलब ऐसा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहीं भी हो भले ही पब्लिकली हो कुछ भी हो रहा है तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बोल सको कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल प्रॉब्लम्स तो बहुत हो रही है पर फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी है, पर रात को 11 के पहले या 10 के पहले घर पर आना पड़ता है तो सेफ्टी के लिए। कहीं भी जाते हैं तो डर बना रहता है कि कहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है उस पर क्या विचार है? साथ में कोई दोस्त हो तो एक सेफ्टी रहती है, पर आप अकेले नहीं जा सकते, हमेशा मना कर देते हैं कि जल्दी आना, और अकेले तो हमेशा मना करते हैं, तो थोड़ी सेफ्टी की है, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। समय धीरे धीरे बदल रहा है, लड़के भी रहते हैं साथ में, गर्ल्स भी रहती है, ऐसे में फैमिली कभी ऑब्जेक्शन उठाती है कि नहीं आप उन बॉयज़ के साथ में जा रहे हो सेफ नहीं है? जैसे समय बदल रहा है, हम खुद सिटी में है तो थोड़ी थिंकिंग चेंज हो रही है, तो मना नहीं होता आजकल, मतलब जाने देते हैं बट लेट नाइट मना करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिताली कलंकी। इस समस्या का हल एक ही है कि लड़की स्वयं उसका विरोध करे और उससे लड़े, इतनी मजबूत बने, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, वो कर सकती हैं, लेकिन समाज ने ऐसा बना दिया है लड़कियों को कि उनको हमेशा लड़कों से कम आंका जाता है, वो बिल्कुल गलत है। अगर जिस दिन लड़कियां अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगी अपने आप में आत्मविश्वास, उस दिन ये चीज़ समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि लड़के कर सकते तो लड़कियाँ नहीं कर सकती क्या? कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, इस अत्याचार का अंत हो सकता है। सरकार द्वारा कई तरह की स्कीम लेकर आते हैं, योजनाएं लेकर आ रहे हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए, या फिर बेटी बचाओ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार योजनाएं लेकर आती है, लेकिन जो मामले हैं वो तो लगा एक आम बात बन गई है कि हाँ रोज पेपर में आ रहे हैं, उन्हें कॉर्नर का कोना मिल जाता है एक पोर्टल पर या फिर एक न्यूज़पेपर में।
तो ये क्या होता है, जो खुल जाता है, जो लोगों को पता चल जाता है वो तो चल जाता है, अंदर से तो सब कुछ हो ही रहा है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद जागरूक होना पड़ेगा तब इस समस्या का हल हो सकता है, नहीं तो अंदरूनी रूप पे तो चल ही रहा है। जो ओपन होता है वही अपन देख पाते हैं, अब अंदर ही अंदर कई लोग लड़की वाले भी लड़के वाले भी समझौता कर लेते कि हम देना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं, तो इस पर कोई क्या कर सकता है। तो हर व्यक्ति को करना चाहिए ना ये कि नहीं करना है, संकल्प करना चाहिए। जब तक प्रति व्यक्ति, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, समाज भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक प्रत्येक व्यक्ति ये ना सोचे कि हम गलत का विरोध करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कितने भी नियम कानून बन जाए। आज के समय में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को अपने पेड़ पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। तभी होगा, तभी श्वास आएगा उसमें, तभी वो हर चीज़ का विरोध कर पाएगी, पैसे उसके पास रहेंगे, वो सेल्फ डिपेंड रहेगी, तभी तो विरोध कर पाएगी। अगर वो आश्रित रहेगी तो कहाँ कर पाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी फिर वो। महिलाओं को आपकी तरफ से कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? गाना या फिर कुछ कविता या फिर कुछ दो लाइन, मतलब या कुछ कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी उनको? बस मैं यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को, लड़कियों को, कि अपनी यानी महिलाएं हैं तो अपनी बेटियों को ऐसा यानी कि शुरू से ऐसी शिक्षा दें कि वो आत्मनिर्भर बने और किसी चीज़ से भी डरे ना, किसी के दबाव में ना रहे, यानी हर सही चीज़ का वो सामना करे, उस सही चीज़ के लिए लड़े, बस यही कहना चाहूँगा। आपका नाम? यामिनी अग्रवाल। आजकल की लड़कियाँ तो हो भी रही हैं, अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं। क्या लगता है आपको, इफ्टीजिंग के जो मामले बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, दहेज जैसे जो मामले बढ़ रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? समाज को फांसी लगा देनी चाहिए उन लोगों को तो, जो ऐसा काम कर रहे हैं, और सरकार इतना वो कर नहीं रही है, कठोर कदम उठा नहीं रही है, क्योंकि कानून तो सरकार कई तरीके के बना रही है पर वो कर नहीं रही है ना, इतना फांसी का भी बनाया था तो कहाँ है, अभी भी कर नहीं रही है वो तो। क्योंकि कई बार ऐसी जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं जब होती है तो लड़कियाँ मानसिक तौर पर उसका बुरी तरीके से शिकार हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को कि ऐसे स्टेप से उनको ये थोड़ा स्ट्रांग होना है जी, लड़कियों को जी, और थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना है, सुसाइड वगैरह तो नहीं करनी चाहिए उन लोग लड़कियों को, उनको सजा दिलवानी चाहिए जो उनके साथ गलत कर रहे हैं। आपका नाम? सोनिया। वेरी स्ट्रांग नाउ डेज, तो किसी को कुछ ऐसा जरूरत नहीं होती, बट ऑलवेज कीप अ वॉच, एक चेक रहना चाहिए कि कौन आपके आसपास है कौन नहीं, बट इन जनरल आई थिंक सबका नॉलेज बढ़ रहा है अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे देमसेल्व्स नाउडेज आर। भव्या। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? आई फील आजकल के लड़कियाँ काफ़ी स्मार्ट है एंड वो सब जानती है कैसे व्यवहार करना है, क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है, अपना लाइफ खुद सेट करती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आजकल मेरे ख्याल से दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मैम ये है कि दुष्कर्म जैसे जो मामले हैं, जो रेप, जो बलात्कार जो लड़कियों के साथ में हो रहे हैं, जो नाबालिग के उन लोग के साथ में हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक आम खबर बन गई है आज के टाइम? मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ मेंटल डिजीज, ये जो कर रहे हैं ऐसी चीज़ें डेफिनेटली उनका मेंटल डिजीज़ है। ऐसे लोगों को या ऐसे अगर किसी को पता भी चले कि ऐसा विचार करने वाले कोई है, दे शुड बी स्ट्रेट टेकन एंड पुट इन द मेंटल हॉस्पिटल और गिवन ट्रीटमेंट, दे शुड नॉट बी केप्ट लूज कि नहीं वो जब करेंगे तब देखेंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन एंड देर शुड बी एन एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट, क्योंकि सरकार कानून तो हर बार ला रही है, जब कोई कानून ला रही है, मगर मेरे ख्याल से ऐसा कानून आना चाहिए जहाँ पे जनता खुद वो अपने हाथ में ले लेती है, अगर कोई कुछ करे तो तभी का तभी जनता खुद उनको वहीं के वहीं तो किसी को भी डर लगे ये सोचने या करने से पहले एवरीथिंग। पर लड़कियों ने अपना बेसिक स्वभाव को खोना नहीं चाहिए, वो जो धीरे धीरे हो रहा है, जो सॉफ्टनेस लड़कियों में पहले था, दो इंडिपेंडेंट होना एक अलग बात है, पर अपने खुद के व्यक्तित्व को खोना एक अलग बात है। आजकल जो बच्चे पेरेंट्स को नहीं देखते हैं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं तो भी वो इंडिपेंडेंस के पीछे भी एक रफनेस, एक वो घमंड, एग्रेसिवनेस आई हुई है।
उसके वजह से हो रहा है. एंड ऑल्सो ये दुष्कर्म क्यों हो रहा है, बिकॉज देर इज अ इम्बैलेंस लड़का और लड़की में. जो लड़कियों को मार दिया गया है, लड़कों को प्रॉपर शादियां नहीं हो रही क्योंकि लड़कियों का परसेंटेज ही इतना कम है. क्योंकि वो जाके फिर वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा. दिस ये मेंटल ब्लॉक के वजह से ही इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. नॉट जस्ट दैट, अभी वो भी डिफरेंस जो है, जो पुराने जमाने में था वो लड़का है और लड़की है, वो भेदभाव वो अभी भी चल रहा है. एंड अभी भी वो एडुकेट करने चाहिए लेडीज को कि ऐसे भेदभाव ना करे. लड़के को उतना ही काम घर में करना चाहिए जितना लड़कियों को. मतलब कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान अभी भी कायम है, अभी भी कायम है. और ये यू विल से कि वो उनका जन्म से ही उनको यही सिखाया जाता है. अभी एक सिंपल बात बताती हूँ. अभी अपने घर में अभी जब बच्चा दादी को कुछ बोलता है, अरे तुमको पड़पोता देखो, कभी पड़पोती देखो कहाँ बोलते हैं. सिंपल सी बात है. देखो तो अभी जो बोलने वाला बोलता है आप रहो ना, अभी पड़पोता देखो ना, आप पड़पोती देखो, ऐसा कोई बोलता है क्या? अपन खुद ही, मतलब अपन खुद ही अपने लोगों के दुश्मन है. अपन खुद ही एज ए वुमन हम कहाँ, अपने को तो लड़का भेदभाव जो है वो कहीं तो भी कम होना चाहिए, वो रुकना चाहिए. जिस दिन वो रुकेगा ये सब चीज रुक जाएंगे, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे. थैंक यू. क्या आखिरी मैसेज आप वुमेन्स को देना चाहेंगे आज के टाइम में? बी स्ट्रॉन्ग, बी सेंसिटिव, बी सेंसिबल. बी स्ट्रॉन्ग एंड बी सेंसिटिव टू एंड सेंसिबल. अपने बच्चों को जब सिखाओगे, तब लड़का हो या लड़की, अनबायस्ड यू टीच योर सन टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बिकॉज़ ओनली द मदर टीचर्स, अ वुमन ओनली टीचर्स ना. एग्जैक्टली. एक औरत ही तो सिखाती है, और औरत ही लड़का और लड़की में भेदभाव करती है. औरत ही, क्योंकि गवर्नमेंट को और क्यों किसको बोले. गवर्नमेंट करेगी जो बाद में बात करेगी, जो अपने घर से पहले होना चाहिए ना. सिखाए टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग. महिलाओं को कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे महिला दिवस स्पेशल में? कोई मैसेज भी दे सकते? मैसेज तो दिया ना उसने, बी सेंसिटिव, बी सेंसिबल, और अपने बच्चों, बी स्ट्रॉन्ग एंड गिव दैट एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन. अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी सिखाओ ना टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो वो लड़का ही आगे जाके ये सब काम करता है ना, वो किसी का बच्चा ही है ना, किसी औरत के पेट से आया हुआ है. वो अगर सेंसिबल रहा, अगर उसकी अपनी सेंसिबल रही, तो पूरी दुनिया बदल सकती है. इट्स ऑल इन द लेडीज हैंड. बी स्ट्रॉन्ग एंड बी सेंसिबल, बी सेंसिटिव. आपका नाम? गायत्री वागले. प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, मतलब रात को पुलिसों का प्रॉपर घूमना चाहिए, उनका पेट्रोलिंग करना चाहिए रात में, एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए जिसके कारण लड़कियों को और सेफ्टी फील होए. और बाकी इंदौर में तो ऐसे इस काइंड ऑफ के इशू कभी मिले नहीं हमको, इंदौर सेफ ही है. और बाकी तो हर बार लड़कियों को कहा जाता है कि ध्यान रखा करो, देर से नहीं जाना, लेट नहीं आना, बॉयज़ के साथ में नहीं घूमना, उस पर आप क्या कहेंगे कि गलत है? ऐसा सोचना गलत है, बट प्रशासन का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी मतलब थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि इस टाइप के न्यूसेंस क्रिएट होती है, तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. एक लड़के होने के नाते आप गर्ल्स को क्या, मतलब आपकी बहनें हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सब ऐसे नहीं होते? सब सबके पॉइंट ऑफ अलग रहते हैं, बस ये है कि थोड़ा उनको भी ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो नॉर्मल है, मतलब इंदौर में ऐसे कुछ काइंड ऑफ केसेस आते नहीं है, मैंने तो नहीं देखा. मेरी बहन तो पूरी सेफ रहती है, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी बहन 11 बजे तक बाहर रहती है, मुझे टेंशन नहीं होती. आपका नाम? अनुज सेठी. तो हमने यहाँ पर जनता से जाना कि किस तरीके से इन सारी कुरीतियों पर, कुप्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है. इसकी पहल सबसे पहले घर से ही शुरू होती है, न कि सरकार और कानून तो उसके बाद में आते हैं, लेकिन इसकी पहल की शुरुआत एक घर से होती है, और बल्कि माँ से इसकी शुरुआत होती है. जो भेदभाव जिसी कुप्रथा है, जो भेदभाव जो आज भी कायम है, उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है. जो लड़का लड़कियों में, जो बेटा बेटी में जो अंतर किया जाता है, उन पर घर से ही इसकी शुरुआत की जा सकती है. कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सागले के साथ मैं सुरभि भटेवरा, वेब दुनिया, इंदौर.